गोपेश्वर जोशीमठ से बसों में शायद लोगों को वहाँ पर लाया गया है उस जनसभा में भीड़ के लिए, लेकिन यहाँ के लोग जो उनके बात को सुनना चाहते थे या देखना चाहते थे उनको वहाँ पर जाने से बिल्कुल रोका गया है। जय बद्री विशाल दोस्तों, बद्री धाम में मौसम का मिजाज बदल चुका है बिल्कुल, और परिधान मंत्री जी यहाँ से जा चुके हैं, शायद माना में उनका भी जनसभा होनी है, लेकिन यहाँ के लोगों को यहीं रोका गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, तीर्थ यात्री नहीं जा सकते हैं, यहाँ के स्थानीय व्यापारी नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पर वो चल रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों को सुबह से रोका गया था, यहाँ पर अभी तक भी पुलिस ने अब जाकर ही हमें बाहर आने की इजाज़त दी है। कमरे के बाहर से कुंडा तक लगा दिया गया था, दरवाज़ा बंद था बिल्कुल, ताकि हम बाहर ना निकल सकें, और नेटवर्क बिल्कुल जाम हो गए थे, कुछ भी यहाँ से दिखा पाना संभव नहीं था। अपने भक्तों की लाइन आप देख सकते हैं। जय बद्री विशाल। अब मोदी जी यहाँ से जा चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोगों को बाहर आने की इजाज़त है। पुलिस यहाँ से हट चुकी है, अभी तक कमरे में बिल्कुल हमें रोका गया था, और जो इनका कार्यक्रम है अभी माना में शायद वो चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से लेकर तीर्थयात्रियों तक को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। गोपेश्वर जोशीमठ से बसों में शायद लोगों को वहाँ पर लाया गया है उस जनसभा में भीड़ के लिए, लेकिन यहाँ के लोग जो उनके बात को सुनना चाहते थे या देखना चाहते थे उनको वहाँ पर जाने से बिल्कुल रोका गया है। और मौसम बिल्कुल बदल गया है, ऊपरी चोटियों पर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल पीछे की तरफ बर्फ़ हो रही है, ये आगे भी देखें आप, ये बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। और अब आम भक्तों के लिए बद्रीनाथ के दर्शन खोल दिए गए हैं, पीछे देख सकते हैं आप मंदिर में अब लोगों की भीड़ जमा हो रखी है।